तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दृश्य पटाना स्टोर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक से होंगे। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मेरे पास एक ग्लेडिएटर का बैटरी स्प्रेयर पंप है जो कि 16 लीटर का है और ये नेपच्यून का डबल मोटर बैटरी वाला स्प्रेयर पंप है। तो ये भी मैंने गार्डनिंग की यूज़ के लिए लिया है और ये भी मैंने गार्डनिंग के यूज़ के लिए लिया है। तो आज मैं इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो बनाने वाला हूँ। चलिए चलता हूँ मैं, क्योंकि मैंने इसलिए पानी भर के रख लिया है ऑलरेडी ताकि टाइम वेस्ट ना हो, और उसमें भी मैंने पानी भर लिया है। देख सकते हैं उसमें आपको दिख रही है, तो उसमें भी पानी भरा हुआ। तो आज का जो टॉपिक ये है कि उसको मेरे पास 2.5 साल हो चुकी है लगभग, और इसको जो है 1.5 साल करीब हो चुका है मेरे पास। पर इसका यूज़ क्या है और इसका यूज़ क्या है वो हम बात करेंगे, और कितनी कीमत का ये मिला है, कितनी कीमत का वो मिला है, कौन सा मेरे लिए यूज़फुल है और आपके लिए कौन सा यूज़फुल रहेगा, वो दोनों ही बातें मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में और आपको चला करके भी दिखाऊँगा कोशिश रही तो। और चलिए ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये हमारे दोनों ही बैटरी वाले पंप हैं, वो भी और ये भी। इसकी जो कीमत है ग्लेडिएटर, ये जो है बैक पैक है जिसे बोलते हैं कि आप इसको पीठ पर कंधों पर डाल करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये वाला जो है इसको आप कहीं पर भी कैरी नहीं कर सकते वैसे पीठ पर ले जा करके, पर आप जब कहीं भी स्प्रे करेंगे तो वैसे आप ले जा सकते हैं इसको भी उठा करके। पर ये चीज़ है कि अगर ये बाल्टी भी आपको यहाँ अलग रखना पड़ेगी और ये पाइप आपका दूर तक जा सकता है। तो दोनों में ये डिफरेंस ये है कि इसको आप दूर तक ले जा सकते हैं, पर अगर हाँ लोकेशन चेंज है तब भी आप उसको भी रख सकते हैं ले जा करके, इसको भी रख सकते हैं अगर आप ले जा सकते हैं तब, क्योंकि इसमें वेट होता है तो आपको कंधों पर ये आपका लोड करेगा और ये लोड नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ इसको जो है एक बार लोड करने के बाद आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर ऊपर नीचे चढ़ उतर सकते हैं। फिलहाल ये भी ऊपर नीचे जा सकता है, 1 मंजिल 2 मंजिल तक आराम से ये आपका स्प्रे करेगा नीचे रख कर भी। पर मेरे लिए दोनों ही यूज़फुल रहे, पर इसका मैंने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है, इसको मैंने 1-2 बार ही यूज़ किया है। और ये देखें इसके अंदर इस तरीके से ये चार्जिंग सॉकेट दिए रखा होता है, चार्जिंग सॉकेट के साथ ही ये आपका वोल्टेज का शो करता है। ये आपकी फर्स्ट मोटर दिखाता है, अभी बैटरी इसकी लो है, ये सेकंड, यानी कि आप दोनों भी चला सकते हैं, दोनों को खोल करके रखेंगे तो ये तेज़ चलेगा, प्रेशर अच्छा गेन करेगा। इसी के साथ इस वाले से रोटर से भी आप इसको चला सकते हैं, ये देखिए बटन के साथ साथ। ये तो रहा इसका फंक्शन, और इसका भी फंक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी ये है, देखें इसका ढक्कन टूट चुका है, यहाँ से चार्जिंग करेंगे आप और इधर से भी आप इसको ऑन कर सकते हैं, आवाज़ इसकी आ रही होगी आपको। ये मॉडल GL 1012 है और इधर से भी आप ऑन कर सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं आप इस तरीके से। और इसमें जो छड़ रहती है ये रहती है, इसमें आपको मिलते हैं 3-4 डाइयाँ अलग से मिलती हैं जो मेरे पास हैं रखी हुई, इसको मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया। इसमें सिर्फ आपको ये एक ही गन मिलती है जो कि 1.5 फिट की रहती है। तो अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, बात हम बाद में करेंगे। और दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि इसका यूज़ क्या है और इसका यूज़ क्या है। इसका सिंगल यूज़ है, आप सिर्फ पौधों पर स्प्रे ही कर सकते हैं, पर दूसरी ओर यह है हमारा, ये हमारा मल्टीपर्पस यूजेस होता है, जैसे कि आप इसको पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको जो है आप कार वॉश या फिर बाइक वॉश, गाड़ी वाड़ी वगैरह धोने के काम में भी ले सकते हैं। और सबसे अहम बात एक और कि आप जैसे अभी हमारा जैसे वैसे है तो नहीं यूज़, पर मैं आपको बता देता हूँ आप यूज़ कर सकते हो, कोई वो नहीं है। जैसे कि ये हमारा अभी जो बना था घर, तो यहाँ पर जो है इस पर तरी की आवश्यकता पड़ी थी पानी प्लास्टर होने के बाद या फिर ईंटों को तर करने के लिए, तो वहाँ तक 2 मंजिल तक वो जो ममटी दिख रही है ऊपर तक जो है इससे मेरा प्रेशर जाता था, और इससे हमने इससे खूब जम करके तरी की है इस वाली दीवार की और पीछे से भी, क्योंकि यहाँ से कोई चढ़ने का साधन है नहीं पीछे को, तो वो चढ़ने के साथ इतना पानी कैसे ले जाए, तो वो बाल्टी यहाँ भर करके उससे करते थे हम। तो बहुत अच्छा है ये, इसका बहुत यूज़फुल मुझे इसका ये जो है फीचर लगा। तो इसको सबसे पहले तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जो है रही बात
तो मैं इसको कम यूज़ करता हूँ। क्यों? और बैटरी की बात रही, बैटरी लाइफ दोनों की बढ़िया है। ये नेपच्यून का अपने आप में एक ब्रांड है, ये ग्लेडिएटर का अपने आप में एक बढ़िया ब्रांड है। और इसके साथ जो पाइप मिलती है शायद मेरे ख्याल से 15 मीटर के करीब मिलती है, जो कि फिट हुए काफ़ी ज़्यादा। तो देख सकते हैं इसके बंडल से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना फिट होगा। मुझे अभी इतना ध्यान नहीं रहता कि कितने मीटर है, और इसका भी मीटर यहाँ दे रखा है और ये 16 लीटर का है। और ये प्लास्टिक क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है इसकी भी, और वो भी माशाल्लाह मटेरियल बहुत अच्छा। इसकी मोटर कवर है ताकि आपके जो है मोटर पर किसी भी तरीके का पानी नहीं जाएगा, और इसकी भी मोटर अंदर है और उसको आप निकाल भी सकते हैं बैटरी को, और उसकी भी बैटरी को और उसको निकाल सकते हैं। तो अब ये तो था इनका कंपेरिजन वीडियो। तो अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें से लेना कौन सा चाहिए, तो वो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आप ये वाला ले लें या ये वाला ले लें, क्योंकि मैंने आपको दोनों ही के यूज़ भी बता दिए और दोनों को मैंने बता भी दिया। ये एक बार चार्ज करने के बाद ये कम से कम 20 से 25 टंकी खाली करता है, यानी कि 20 से 25 बार यूज़ कर सकते हैं इसे भरने के बाद। 20 भी मान लीजिए, 15 ही कर लीजिए, तो मेरे लिए तो बहुत है। मैंने इसे बहुत कम इसको चार्जिंग पर लगाया और इसको भी मैंने कम चार्जिंग पर लगाया। थोड़ा ये लोड ज़्यादा लेगी क्योंकि डबल मोटर का इसमें काम रहता है, उसमें मेरे ख्याल से सिंगल मोटर है और इसमें डबल मोटर है, तो प्रेशर उसका भी बढ़िया रहता है, प्रेशर इसका भी बढ़िया रहता है। तो मैं आपको अभी ये हालांकि डॉन है, इसको मैं अभी आपको इसका भी प्रेशर दिखाता हूँ और उसका भी प्रेशर दिखा देता हूँ, और बात करूँगा मैं अंत में इसके प्राइस की, तो ये मुझे कितने के पड़े। ये भी मैंने एग्रो स्टार से ही परचेस किया है और ये भी मैंने एग्रो स्टार से परचेस किया है। दोनों के लिंक हालांकि डिस्क्रिप्शन में हैं, आप चाहें तो विज़िट कर लीजिएगा। अब तो इनकी कीमत भी इंक्रीज़ हो चुकी है, तो फिलहाल जो उस टाइम पे थी उस टाइम पे कम थी। आप चाहें तो अमेज़ॉन के भी लिंक हैं, आप अमेज़ॉन से भी इसे परचेस कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको इनके दोनों के प्रेशर चेक कराता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ये वाला मेरा जो बैटरी पंप है ग्लेडिएटर का, तो इसको देखता हूँ। ये मेरे पास बहुत बढ़िया अच्छे से काम कर रहा है, इसके साथ पूरी किट मिली थी मुझे। और मैं सबसे पहले तो इसको यहाँ से स्विच ऑन करूँगा, ये देखें ये है यहाँ पर स्विच, इससे अच्छा ऑन करूँगा तो यहाँ पर इसकी लाइट जल जाएगी। देखें देखा इस तरीके से, ये देखो मैं ऑन करता हूँ, ये देखें ये लाइट जल चुकी है। अब मैं इसका प्रेशर देखता हूँ, ये है हमारा इसका, ये तो दे रखा है यहाँ पर स्विच जिससे हम इसे दबाएंगे और ये यहाँ से इसका प्रेशर निकलेगा। तो ये देखेंगे, ये देखें काफ़ी अच्छा इसका फुब्बारा रहता है, देखें नीचे भी आप। मैंने रात ही इससे दवा डाली है और ये काफ़ी प्यारा था इसका जो है, थ्रो भी बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छे से जो है ये मेरा यूज़ करता है। बस हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें 2 साल के बाद अब ये आई है कि थोड़ा थोड़ा हल्का सा लीक हो जाता है, तो इसका मैं 12 साल है मेरे पास, वो बदल लूँगा। नहीं भी है तो मैं किसी भी एग्रीकल्चर की दुकान से ले आऊँगा, जो कि इसका 12 साल तो लीकेज इतनी नहीं है, एक आध बूंद आ जाती है। देखें जैसे अभी नहीं आ रही, ये देखें ये गिरी, ये कर रहा है इस तरीके से, बस थोड़ी सी लीकेज की प्रॉब्लम आई है, बाकी मुझे इसमें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और इसे हम चालू रखते हैं, आइए अब चलते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले तो इसमें आप जो है इस तरीके से ये जाली लगी हुई होती है इसलिए ताकि इसमें कोई कचरा गंदगी अंदर ना जाए जिससे पंप पे कोई फर्क पड़े, तो इस तरीके से हमने इसको डिप कर लेना होता है, पानी के अंदर ही डिप करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे ऑन करेंगे फर्स्ट वाली मोटर। और इसका जैसा कि ये देख सकते हैं इसमें जो हैंडल में यही जो होती है छड़, ये जो छड़ होती है तो हम इसको जो है घुमाने का काम करेंगे, तब घुमाने के साथ ही जो है ये जो है इस तरीके से प्रेशर इसका निकलता है। ये देखिए प्रेशर इसका भी बहुत अच्छा होता है, ऐसे आप चाहें तो गाड़ी के लिए चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं और ऑन भी रख सकते हैं। अब दिखाता हूँ मैं इसको डबल मोटर से, डबल मोटर से इसका प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, पर ये थोड़ा सा डाउन है इसलिए इसकी जो है प्रेशर कम आ रहा है। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ उसका ऊपर तक जो है थ्रो कहाँ तक जाता है, अभी डाउन पर भी लो पर भी देखें, वो मेरे पौधे देखें दूर तक रखे हुए हैं। ये देखें इस तरीके से इसका यूज़ आप बिल्कुल ईजीली बहुत बढ़िया से कर सकते हैं, और ये अभी लो बैटरी का इसका हिसाब किताब है। देखें ये कम से कम होगा तो 5, 10, 15, 16, 17 फिट के करीब ये पानी अभी बिल्कुल लो बैटरी पर जा रहा है। और इसका हम फब्बारा चेक करेंगे यहाँ से, देखें इधर से, इधर से देखें आप इस तरीके से इसे कसेंगे तो ये हमारा ऐसे करके इस तरीके से इसकी फब्बारा बनना शुरू हो जाएगा। ये देखें अगर आप दवा छिड़कना चाहते हैं तो इस तरीके से इसको दवा भी छिड़क सकते हैं। ये देखें ये दवा के मूड में आ जाएगा, ये
ये आ गया है, इससे आप दबा कर नहीं करेंगे। और इसका भी थ्रो देखें, बहुत दूर तक वो फैलाव वाला है। और इसका भी दिखा देता हूँ, ये देखें, ये इन दोनों में ये डिफरेंस रहता है। आप देख सकते हैं, आप दोनों के ही, दोनों के थ्रो देखें, ये देखें बढ़िया है, इस वाले का भी और इस वाले का भी। दोनों का अपना अपना अलग महत्व है और दोनों का अपना अपना बढ़िया, एकदम दोनों ही स्प्रे अच्छे कर रहे हैं, कोई शिकायत वाली बात नहीं है। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ इसका, कि जो है दोनों का ही थ्रो बहुत ही बढ़िया है और इसमें डबल मोटर है तो इसका अच्छा थ्रो है। तो अब आते हैं इनके प्राइस के ऊपर। तो प्राइस इसका मौजूदा हालत में इस वाले का तो मेरे ख्याल से 4000 के करीब पहुंच चुका है, लगभग 3600 या 3700 रुपये करीब है ग्लेडिएटर का। और ये आपको अभी मौजूदा हालत में 4400 रुपये का, या इससे ऊपर, 4400 या इससे ऊपर या 100-200 रुपये नीचे, ये इसकी कीमत है। आप जाएं, विज़िट करें, देखें, दोनों ही अपनी जगह बढ़िया हैं। आप जिसको लेना चाहते हैं तो इसको आप ले लीजिए। अब मैं बताऊं आपको मैंने इसे क्यों ज़्यादा यूज़ किया है, इसे क्यों कम यूज़ किया है, क्योंकि मेरे इस वाले नए वाले घर पर जो है, जैसे ये वाला बना है तो यहाँ पर मुझे अलग है, और दूसरा घर मेरा दूसरी साइड में है, उस साइड में जहाँ भी कुछ पौधे गुलाब के मेरे सारे, जैसे आपने देखा मेरे एंजल रोज़ गार्डन है तो उसमें रखे हुए हैं, तो उस को और इसको दोनों जगह एक टंकी में मेरा काम हो जाता है। तो मैं इसमें एक टंकी अपनी दवा भरता हूँ, या भी फिर जो है कोई फंगीसाइड या इंसेक्टीसाइड जो भी देना होता है, या फर्टिलाइजर वगैरह, तो एक टंकी में करता हूँ, एक टंकी में ही मेरी दोनों जगह पर हो जाता है। तो मैं कंधे पर लाद करके इसको और इधर भी और उधर भी दोनों तरफ लगा देता हूँ, उधर मेरे दूसरी छत पर भी है और तीसरी छत पर भी है। तो इस तरीके से मैं इसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और इसको मैं इसी वजह से यूज़ नहीं करता हूँ कि मैं पहले यहाँ लगाऊँ, फिर ऐसे पूरा तार को समेटूँ, तार को समेटने के बाद मतलब जो पाइप को, फिर पाइप को समेटने के बाद फिर उधर ले करके जाऊँ, फिर वहाँ लगाऊँ। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसके वजह से जो है इसको दोनों तार को, पाइप को समेटने के लिए इसमें टाइम भी थोड़ा सा लगता है, और थोड़ा सा इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया और इसको मैंने ज़्यादा यूज़ किया। तो यही मैं रखूँगा अपने पास, और ये मैं अपने पास नहीं रखूँगा, तो यही है सीन। बाकी मैंने इससे गाड़ी भी धोई है, गाड़ी धुलती है इससे, हमारा छोटा भाई आरिफ इदरीसी साहब इसे धोते रहते हैं गाड़ी इससे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसे ले लीजिएगा अगर आप इसे लेना चाहते हैं, अगर आप मल्टीपर्पज़ यूज़ करना चाहते हैं और गार्डनिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो इसको आप ले लें। और गार्डनिंग के ही लिए यूज़ है इसका भी, ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि गार्डनिंग से इसलिए है क्योंकि आप जो ऐसे तीन काम कर सकते हैं। तो वीडियो मेरा यहीं तक था, और मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विज़िट करिएगा, देखिएगा कैसे प्रोडक्ट हैं। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तब फजूल में इसको आप बिल्कुल भी परचेस ना करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़। और आपने हमारे चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और घंटे को भी दबा लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं, और आप अपना, अपने पौधों का, दोनों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।